मौजूद है। आज का दिन दो ही जगह उत्तर प्रदेश में मुशायरे और कवि सम्मेलन के रूप में नेताजी को या एक वक्त एक जमाना था जब हिंदुस्तान के आईन को बचाने के लिए इस शख्सियत ने अपनी कुर्सी को ठोकर मार दिया था। मेहमान जो कि आजमगढ़ से हमारी दावत पे यहां तशरीफ लाए हैं, जनाब हाशिर आफताब शैली साहब, आप जामा मस्जिद आजमगढ़ के सेक्रेटरी हैं, एक बावकार शख्सियत, एक मुहिब उर्दू, और आजमगढ़ के अंदर जो महफिल आरास्ता होती हैं, जो मुशायरे होते हैं, वहां पर भी आपका बहुत अमल दखल होता है। हमारे बुलावे पर, हमारी गुजारिश पर यहां तशरीफ लाए हैं। मैं चाहता हूं कि उनका भी इस्तकबाल हो जाए, फिर आज के इस मुशायरे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। जल्दी रहती है। आप जामा मस्जिद आजमगढ़ के सेक्रेटरी भी हैं, बहुत सी अदबी अफलाही तंजीमों से आपकी वाबस्तगी रही है, उर्दू अदब के शायदाई हैं, हमारे बीच हमारे बुलावे पे यहाँ पर तशरीफ लाए, हम उनका भी इस्तकबाल। पहले का एक शेर पढ़ता हूँ जो कि आज भी हस्बे हाल है। कभी शायर ने ये कहा था कि मुफलिसी सब बहार खोती है, मुफलिसी सब बहार खोती है, लेकिन वो हमारी गुजारिश पर आए, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और एहसानमंद हैं। तारिक भाई दब गए, आप थोड़ा सा आगे आइए, हाँ थोड़ा सा आगे आइए आप। वो